लेट स्टार्ट विद चैप्टर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन. देखो कनग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते थे जो हमने पहले पढ़े थे कनग्रेंट ट्राइंगल्स पिछली क्लासेस में, जिनकी सेम लेंथ ऑफ साइड्स होती हैं और वैल्यूज ऑफ एंगल्स भी बिल्कुल सेम होती हैं. जैसे अब ये दोनों ट्राइंगल्स कनग्रेंट हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ऐसी एंगल्स में भी यही रिलेशन है. ठीक है, तो आप कहते थे ये ABC ट्राइंगल PQR के कनग्रेंट है, कनग्रेंसी का साइन ये रहा. अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और एंगल्स इक्वल होते हैं. पहले तो इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स चाहिए होती थी, यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, यहाँ पर रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल चाहिए, बट एंगल्स अभी भी इक्वल ही चाहिए. जैसे एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि AB और PQ इक्वल हो. हाँ, बस इतना ज़रूर है कि AB को जो PQ से डिवाइड करेंगे ना, वो BC अपॉन QR के इक्वल आना चाहिए और AC अपॉन PR के इक्वल आना चाहिए. इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ साइड्स. इतना ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पर ये तीनों साइड्स पहले ट्रायंगल्स की हैं और दूसरी साइड्स इस ट्रायंगल की हैं. अगर ऐसा होगा तब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. हाँ, इसके अंदर ऐसा भी होता है कि एंगल्स बिल्कुल इक्वल हैं, A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R. अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि नेमिंग एन एंगल कैसे करते हैं, हम किसी भी एंगल को नेम कैसे करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. एक ट्रायंगल गिवन है PQR, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ना कि एंगल जो R में बन रहा है उसका नेम निकालना है, उसका नेम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो PRQ या फिर QRP. चलो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर.